भारत के घर घर तक पहुंच चुका दूरदर्शन आज 65 बरस का हो गया है। सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे के प्रोग्राम प्रसारित करने वाला यह संगठन आज बिना रुके 24 घंटे लगातार प्रसारण कर रहा है। दूरदर्शन के अब तक के सफर में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के चैनल हैं। देश विदेश में दूरदर्शन की पहुंच आज भी सबसे ज्यादा है, चाहे सुदूर गांव हो या ऊंचे पहाड़। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक के माध्यम से टेलीविजन ने जो प्रसिद्धि पाई वो इसे स्वर्णिम काल मिले जाती है। कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि दूरदर्शन की अब तक की यात्रा शानदार एवं गौरव से परिपूर्ण है। 15 सितंबर 1959 को एक प्रायोगिक प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक छोटा ट्रांसमीटर और एक अस्थायी स्टूडियो था। आम जनता तक इस प्रसारण को पहुंचाने का प्रयास साल 1965 में हुआ। विकास की यात्रा आगे बढ़ी तो टेलीविजन इंडिया दिल्ली से आगे बढ़ा और इसका पहला पड़ाव मुंबई हुआ। साल था 1972। साल 1975 में टेलीविजन इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन हो गया। उस समय टेलीविजन सेट और दूरदर्शन एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे। कुछ साल यूं ही चलता रहा और फिर साल 1980 में इसे देश के शहरों तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू हुई। साल 1982 में एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाले थे। ये वही समय था जब दूरदर्शन ने देश के अन्य हिस्सों में विस्तार लिया और तकनीकी विस्तार ये हुआ कि टीवी सेट रंगीन आने लगे। एशियन गेम को रिकॉर्ड करने और दिखाने के बाद 7 जुलाई 1984 को धारावाहिक हम लोग के रूप में एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने इसे घर घर में लोकप्रिय बना दिया। उस समय बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसमीटर देश के कोने कोने तक लगाए गए। हम लोग की कहानी मध्यम परिवार की थी, लोग खुद को इससे जोड़ पाते थे। ये वही समय था जब टीवी सेट की दुकानें बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक में खुलने लगी थी। कृषि दर्शन दूरदर्शन का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम रहा है। भारत पाक विभाजन को केंद्र में रखकर बना सीरियल बुनियाद ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूरदर्शन 46 स्टूडियो और 33 टेलीविजन चैनलों का संचालन करता है, जिसमें 2 अखिल भारतीय चैनल डीडी नेशनल और डीडी न्यूज है, 17 क्षेत्रीय उपग्रह चैनल, 11 राज्य नेटवर्क, 1 अंतर्राष्ट्रीय चैनल, 1 खेल चैनल डीडी भारती, सांस्कृतिक और सूचनात्मक चैनल के रूप में डीडी उर्दू और 1 कृषि चैनल डीडी किसान शामिल है। साल 1986 जब रामानंद सागर कृत रामायण दूरदर्शन पर चलना शुरू हुई, रविवार को आने वाले इस प्रोग्राम के समय देश भर में सड़कों पर सन्नाटा होता था, घरों में तैयारियां होती थी, मोहल्ले में 1-2 टीवी सेट बड़े लोगों के यहाँ लगे होते थे। ऐसे में संडे को टीवी सेट वाले घरों में प्रायः मोहल्ले के लोगों को रामायण दिखाने की व्यवस्था की जाती थी। इसने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए। हालत ये हुई कि इसके कलाकार किसी को कहीं मिलते तो आदमी दंडवत की मुद्रा में होता। रामायण के प्रसारण के समय लोग यात्रा नहीं करते थे, रही सही कसर महाभारत ने पूरी कर दी। रामायण महाभारत के पहले भी टीवी सेट भले ही कम घरों में थे, लेकिन इनके कई प्रोग्राम बहुत पॉपुलर थे। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रहार, भारत एक खोज, व्योमकेश बख्शी, मालगुडी डेज, विक्रम बेताल, फौजी, तमस, अलफ लैला जैसे अनेक धारावाहिक घर घर में चर्चा के विषय हुआ करते थे। लेकिन टीवी सेट की बिक्री के जो कीर्तिमान रामायण ने बना कर दिए, वो क्रेडिट किसी और के खाते में नहीं है।